अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिज़्बी ब्लॉग्स। आज डे 7 है और अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़ी सी आपको अपडेट देते हैं। कल वैक्सीनेशन हुई थी और क्या मेडिकेशन वगैरह चेंज हुई है, टेम्परेचर क्या चल रहा है और पोजिशन क्या चल रही है, वकास साहब से इंशाल्लाह अभी सारा कुछ पूछते हैं। जी भट्टी साहब, क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम अली साहब। सर सुनाए, आज कौन सा दिन है, क्या चल रहा है? ठीक आज डे 7 है। है, वेट कर लिया आपने आज? जी आज इसका वेट कर लिया है। क्या वेट आया आज इसका? इसका आज वेट आया है 155 ग्राम। 155? वजन थोड़ा कम लग रहा है। जी वज़न कम लग रहा है। इसका वज़न कम इसलिए है कि एक्चुअली जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे चूज़े की जो टाइटर रिपोर्ट्स आई थी ना, वो रिपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो हमें उसमें गैप मिल गया था कि हम इसको 2 दिन चूज़े को इंजेक्शन आगे लेके चले जाएं। तो जब हम चूज़े को आगे लेके गए हैं, 7 डेज़ के ऊपर इसका जब इंजेक्शन हुआ तो वो 1 दिन का स्ट्रेस चूज़े के ऊपर है। 15 से 20 ग्राम जो वज़न हमारा कम है, तो वो इसी वजह से है कि चूज़े को कल रात इंजेक्शन लगा और आज हमारे इसके 7 डेज़ मुकम्मल हुए हैं। हमने इसका वेट किया है तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट जो 14 दिन का हम वज़न करेंगे उसमें इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मेडिकेशन वगैरह वैक्सीनेशन के बाद क्या? वैक्सीनेशन के बाद हमने इसे, कल जब वैक्सीनेशन हो रही थी तो इसे पैरासीटामोल और इलेक्ट्रोलाइट का पानी दिया था, तो अब हम इसको विटामिन ई का पानी दिया हुआ है चूज़े को, ताकि इसकी एंटीबॉडीज़ और साथ में इसकी जो कुव्वत मुदाफ़त है या चूज़े की मतलब सुस्ती है, उसको कवर कर सके, वो ताकत के तौर पर इसे मिले वो। अच्छा, आज मैं देख रहा हूँ फीड लाइनों पे भी काम हो रहा है। जी इसकी क्या वजह है, 7 दिन के बाद फीड लाइनें चला रहे हैं? 7 डेज़ असूलन तो हम लोग ये चलाते हैं, 5वें दिन पे 6ठे दिन पर हम फीड लाइन स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें फीड लाइन से ऑटोमेटिक फीड इन बर्तनों में जाती है। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, इसमें हमने मैनुअल अभी फीड डाली है, तो जब ये इसको फीड लाइन ऑटो स्टार्ट होगी तो एक बटन से इसको ऑन करेंगे और ये खुद ब खुद फीड इन बर्तनों सेलोज में चलती हुई आगे से आगे चूजा इसमें से फीड ले सकेगा। इसकी नेक्स्ट वैक्सीन है गम्बोरो की। पिछली वीडियो में भी जैसा कि हमने बताया था कि हम इसकी वैक्सीन का शेड्यूल थोड़ा सा आगे लेके गए हैं, तो वो हम पहले करते थे 9 दिन पर गम्बोरो की वैक्सीन, अब हम इसको 10 से 11वें दिन पे करेंगे। ठीक है भैया, टेम्परेचर क्या चल रहा है आजकल? इस टाइम जो इसका टेम्परेचर है वो हमारे पास अंदर शेड में है कुछ 30 टेम्परेचर इस टाइम दिया हुआ। अच्छा, और ह्यूमिडिटी इसकी इस टाइम तो खड़ी हुई है 65 पर, 60, 65, 62 पर, लेकिन जैसे जैसे दोपहर का टाइम होगा तो ये ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। इसको कंट्रोल किस तरह किया जाए? इसको हम कंट्रोल करते हैं पैड्स के जरिए। पैड जैसे ही चलाएंगे, पानी का टाइम उसको कम ज़्यादा करेंगे, अंदर अगर हबस ज़्यादा हो रही होगी मतलब गर्मी ज़्यादा हो रही होगी, पैड का टाइम को देखेंगे या पानी के टाइम को देखेंगे या वेंट को देखेंगे, तो इस तरह मतलब कि या फैन को देखेंगे, अगर एक फैन कम चल रहा है तो फैन एक्स्ट्रा कर देंगे। तो पानी में वो टैबलेट चल रही है आपकी? जी हमारी पानी में इकोलाई वाली टैबलेट जो पानी की पीएच को ठीक करती है वो चल रही है। आपको वैसे पीएच लेवल क्या आ रहा था? हमारा पीएच लेवल जो आ रहा था वो 8 था, जब हमने वो टैबलेट ऐड की तो उससे हमारा पीएच लेवल ये आ गया 5.9 5.6 पर, जो चूजे के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। क्या रेंज है इसकी? रेंज है 5 से लेके 7 तक, ये रेंज, लेकिन हमारी बेस्ट रेंज में इस टाइम पानी है। इसमें इकोलाई वगैरह का खतरा कम हो जाता है? जी इकोलाई का खतरा भी कम हो जाता है। इकोलाई सबसे बड़ा सोर्स है कि आपका पानी शेड का अच्छा हो। और इसकी ग्रोथ के लिए इसकी ग्रोथ के लिए विटामिन हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, मतलब और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो इसकी ग्रोथ को बेहतर बनाएगी, और इंशाल्लाह हम ये इसको इस पर यूज़ करेंगे। तो आगे जितनी भी वीडियोस बनेंगी डे बाय डे की, तो आप देखेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें और किस किस तरह हम इसको मैनेज करेंगे। ठीक है भाई साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।